नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कहां तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में खरमास के बाद खेला होगा, और बिहार की राजनीति खरमास के बाद खेल के लिए जानी जाती है, लेकिन राजनीति में और बिहार की सियासत में बेसब्री का आलम यह है कि खरमास से पहले ही खेला शुरू हो गया है। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह की बात एक बार फिर करेंगे, और शायद आज न जाने कितनी बार करनी पड़ेगी। उनकी वजह से बिहार की सियासत में भूचाल है, और खासकर महागठबंधन खेमे में तो भूचाल है ही, बवाल है ही। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के बयान के बाद जेडीयू इस हद तक आक्रामक है कि खुली चेतावनी जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दे दी है तेजस्वी यादव को। सुधाकर सिंह की जुबान पर लगाम लगाने को कहा है, और कहा है कि यह ठीक होगा आपके लिए और गठबंधन के लिए। दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है सुधाकर सिंह जो कुछ भी कह रहे हैं वो तेजस्वी यादव लालू यादव के इशारे पर ही कह रहे हैं। एक बार फिर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी का बयान सामने आया है। सुशील मोदी ने कहा है कि साल की शुरुआत के साथ ही सीएम के खिलाफ राजद के नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। लालू प्रसाद यादव के इशारे पर ही पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह सीएम के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जेडीयू और राजद का आपस में गठबंधन हुआ है और किसी आरोप प्रत्यारोप के बाद वो अलग हुए हैं। ऐसे में भी अब दोनों पार्टी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। सीएम ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, लेकिन चार महीने के बाद अब 2025 में सीएम की कुर्सी देने की बात कह रहे हैं। जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह को सपोर्ट लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं, और इसकी वजह से लगातार बयानबाजी के बाद भी राजद की ओर से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वैसे ये सवाल तो है, सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, और तब मोर्चा खोले हुए हैं जब लालू प्रसाद यादव की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बकायदा ये फरमान जारी किया गया, गठबंधन और सरकार के महत्वपूर्ण विषयों पर सिर्फ तेजस्वी यादव बोलेंगे, लेकिन सुधाकर सिंह कहां मान रहे हैं। तो ये सवाल तो है कि आखिरकार कार्रवाई की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे तेजस्वी यादव या लालू यादव सुधाकर सिंह के खिलाफ। और अब भी सवाल है कि क्या अब कार्रवाई होगी जब जेडीयू को इतनी परेशानी है सुधाकर सिंह के बयानों से। तो बीजेपी कह रही है, सुशील मोदी कह रहे हैं लालू के इशारे पर ही तो सुधाकर सिंह बोल रहे हैं, कार्रवाई कहां से होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।